तो मैंने यार अभी अपनी वेबसाइट पे जोसा की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है वो हमने कर दिया, जैसे कि सिक्स राउंड की जो अभी काउंसलिंग की अपडेट्स आई है उसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है 16th of October। आप लोग यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो क्या क्या अपडेट्स आई है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली अपडेट्स जो आई है वो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आई। जब आप लोग डेट्स पे देखोगे तो अभी हम लोग की राउंड सिक्स की जो अलॉटमेंट है यार, वो राउंड सिक्स की अलॉटमेंट हमारी हो गई है, वो है 16th of October को। इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट वगैरह जो करना है वो 16th से लेकर 17th के बीच में करना है। लेकिन एक और बात अभी जो न्यू नोटिस होने को आई है वो ये है कि अगर कोई बच्चा NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना वगैरह चाहता है तो उन लोगों को पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 35,000 तो जमा कर दिए, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आपने NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना है इन दैट केस आप लोगों को 40,000 रुपये यहाँ पे जमा करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पे जाओगे आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट वगैरह का कोई भी डिटेल्स वगैरह नज़र नहीं आएगा। ये इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि जब आप मेरे वेबसाइट पर आके देखोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो पार्शियल एडमिशन फी है NIT प्लस सिस्टम के लिए उसकी जो डेट अपडेट की गई है वह 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में की गई है। इसकी मैं डेट जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जब जाओगे तो पार्शियल पेमेंट फी की यहाँ पे देखो डिटेल्स वगैरह दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NIT प्लस सिस्टम के लिए अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो 40,000 रुपये, अगर आप SC ST स्टूडेंट हो तो 20,000 रुपये, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले SC ST लिखा था बट बाद में उनको पता चला कि वो जनरल स्टूडेंट है तो उनको 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये सारी फीस जो है वो आप लोगों की एडमिशन के साथ वो मेंटेन हो जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप ये पेमेंट वगैरह नहीं करते हो और फॉर एग्जांपल आपको कोई NIT IIIT GFTI वगैरह अलॉट हुई है तो वो सीट आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना। अगर लोगों को कोई IIT वगैरह के लिए हुआ होगा, IIT वगैरह में अगर आपका चयन हुआ है तो आप लोगों को सिंपली यार पेमेंट जो है वो फी करनी है। और आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोगों को IIT में जाके वहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करानी पड़ेगी और वेरिफिकेशन के बाद फिर आप लोगों का जो एडमिशन है वो एडमिशन वगैरह वो हो जाएगा। इन कर लिया है। अब उन लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, विलिंगनेस वगैरह हमने सबमिट कर दिया था, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी हमारा हो चुका था और सीट एक्सेप्टेंस भी हमने पहले पेमेंट कर दिया था। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरी पहली वीडियो जाके कि किस तरीके से हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बच्चे को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आपने देखा होगा, सारी वीडियो में जितनी भी राउंड मैंने आप लोगों को दिखाई है उन सारे राउंड में इस बच्चे को IIIT ग्वालियर मिल रहा था। लास्ट राउंड में इस बच्चे को अभी मिल चुका है IIIT लखनऊ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था यार कि जो हम लोगों की जो कट ऑफ्स वगैरह जो चेंज होती है वो कट ऑफ्स चेंज मेजर चेंजेस आती है हम लोगों की लास्ट राउंड में यानी कि 6th राउंड में। और आपको अगर यकीन नहीं होता है तो 6th राउंड के बाद भी जो सबसे बड़ा छलांग जो आएगा वो आता है हमारा CSAB राउंड 2 में, राउंड 1 नहीं राउंड 2 में। राउंड 1 में तो कट ऑफ गिरती है लेकिन राउंड 2 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गिरती है। कई सारे बच्चे बोले थे कि भैया इस लड़के का तो 9900 रैंक है, आपने यहाँ पे इस बच्चे का IIIT ग्वालियर शो कर रहा है तो इस बच्चे ने क्या सोच के लिया। तो एक्चुअली क्या होता है यार कि 5th राउंड या 4th राउंड या 3rd राउंड जब आप देखोगे तो वहां पे चेंजेस बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन जो 6th राउंड होता है वहां पे बहुत बड़ी चेंजेस नजर आती है क्योंकि काफी सारे बच्चे विड्रॉल कर लेते हैं। बात समझ आई? तो हमने यार यहाँ पे सीट विलिंगनेस वगैरह सारी चीज़ों को सबमिट कर दिया था। अब इस बच्चे को जाके फाइनली जाके एडमिशन वगैरह वो लेना है क्योंकि अभी तक ये जो पेमेंट की जो लिंक है यहाँ पे पेमेंट की लिंक अभी तक फिलहाल एक्टिव नहीं हुई है। कुछ ही देरों में जो पेमेंट की जो लिंक है वो पेमेंट की लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को CSAB राउंड के लिए कंप्लीट वीडियो चाहिए कंप्लीट डिटेल में कि किस तरीके से एडमिशन होती है, जिन बच्चों को अभी सीट मिल गया उन लोगों को किस तरीके से स्टेप्स फॉरवर्ड लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर कल ही सुबह सुबह एक वीडियो जरूर से जरूर बना दूँ।